हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने अलग अलग टाइप के प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ा, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ये सब के बारे में हम लोग ने पढ़ा, जिसके हमने फीचर्स, मेरिट्स और डीमेरिट पढ़े। अभी हम लोग ये सब में क्या डिस्टिंग्विश है, क्या इसके बीच में डिफरेंस है, वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं। ओके, नाउ सोल ट्रेडिंग कंसर्न या सोल प्रोप्राइटरशिप किसको बोलते हैं? तो जो बिजनेस को ओन और कंट्रोल करने वाला एक ही पर्सन होता है, ओके, तो उसको हम लोग सोल ट्रेडिंग कंसर्न बोलेंगे। सो ये बिजनेस को चलाने वाला एक ही पर्सन है, उसका ओनर और कंट्रोलर एक ही है। पार्टनरशिप फर्म में ओनर और कंट्रोलर जो है वो दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं, मतलब इसमें दो या दो से ज्यादा पार्टनर हो सकते हैं। ये लोग एक होते हैं, मीन्स दे कम टूगेदर और फिर वो लोग बिजनेस एक्टिविटी करते हैं और जो भी प्रॉफिट होता है उसको वो शेयर करते हैं, इसको पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। सो दो या दो से ज्यादा लोग जब बिजनेस को चलाते हैं तो उसको पार्टनरशिप फर्म बोलेंगे। नाउ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है। एंसेस्ट्रल का मतलब क्या होता है? पूर्वजों से चलते हुए आने वाला बिजनेस, मतलब दादाजी ने किया था, दादाजी के बाद में पापा, फिर पापा के बाद में लड़का, फिर लड़के के बाद में उसका जो बच्चे रहेंगे वो लोग, तो ऐसे ये एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है। और ये बिजनेस जो होता है फैमिली मेंबर्स रन करते हैं, चलाते हैं एज अ फैमिली बिजनेस। सो फैमिली मेंबर्स के द्वारा चलाया गया हुआ फैमिली बिजनेस जो होता है उसको हम लोग ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बोलते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होती है, मतलब यहाँ पे कोई भी पर्सन मेंबर बन सकता है, मेंबर बनने के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। किसी भी कास्ट का होने दो, किसी भी रिलीजन का पर्सन होने दो, वहाँ पे मेंबर बन सकता है। और ये सोसाइटी बनाने के पीछे पर्पस क्या होता है कि इनको अपने मेंबर्स का इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करना है या फुलफिल करना है। इकोनॉमिक इंटरेस्ट मतलब क्या? उनकी जो जरूरत है वो फुलफिल करनी है, पूरी करना है उनको। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अलग अलग टाइप के कोऑपरेटिव सोसाइटी होते हैं। सपोज एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी है। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्यों बनाते हैं? ताकि मेंबर्स को सस्ते दाम में चीजें बनाए। तो सपोज हमने अपना कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया ताकि हमारे जो डेली रिक्वायरमेंट है, जैसे गेहूं, चावल, दाल वगैरह, जो इसको हम लोग को सस्ते दाम में मिले, इसके लिए हम लोग ने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाया। और हमने क्या किया, फार्मर के पास से डायरेक्टली गेहूं, चावल वगैरह परचेस किया। तो बाहर जो हम लोग को ज्यादा पे करना पड़ रहा था वो अभी हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, सस्ते दाम में हमको हमारी चीजें मिल रही है। तो हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या हो गया, यहाँ पे फुलफिल हो गया। हम सबको सस्ते दाम में चीजें चाहिए तो वो फुलफिल हो गया। ओके, दूसरा सपोज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब कुछ लोग, हम लोग एक हो गए, सबने थोड़ा थोड़ा पैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया और वो पैसा हमने जमा करके किसी भी मेंबर को अगर लोन की जरूरत होगी तो हम लोग उसको लोन देंगे और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा, कम होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, होगा हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट फुलफिल हो गया, मतलब हमारी जो जरूरत थी लोन की, मेंबर्स की, वो फुलफिल हो गए, हमको सस्ते दाम में क्या हो गया, लोन मिल गया। तो इस तरीके से मेंबर्स को सपोर्ट करने के लिए, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जो बिजनेस शुरू किया जाता है उसको कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। प्रॉफिट मेकिंग के लिए होता है ये ऑब्वियसली। और ये लोग क्या करते हैं, इनके कैपिटल को डिवाइड करते हैं। ये मैंने बताया था कि कैपिटल को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो हर एक स्मॉल पार्ट को वो लोग क्या बोलते हैं, शेयर बोलते हैं। सो ये लोग कैपिटल को डिवाइड करके ट्रांसफरेबल शेयर्स बनाते हैं, वो शेयर को वो लोग बेचते हैं और उससे कैपिटल रेज करते हैं। और फिर बाद में ये जो शेयर परचेस करने वाले लोग होते हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं, जिनको ओनर बोला जाता है। जो शेयर होल्डर है वो कंपनी के क्या है, ओनर्स है। तो ये मीनिंग हो गया। उसके बाद नंबर ऑफ मेंबर्स। नाउ सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर सिर्फ एक ही मेंबर होता है। पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम दो और मैक्सिमम 50 मेंबर्स होते हैं या पार्टनर्स होते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में कोई लिमिट नहीं होता है मेंबरशिप में, बिकॉज हर एक ज्वाइंट हिंदू फैमिली में क्या होता है, बर्थ और डेथ, इसका रेट जो होता है वो अलग होता है। मतलब किसी एक पर्टिकुलर फैमिली में शायद तक 5 लोग बॉर्न हुए, 2 लोगों का डेथ हो गया। दूसरे फैमिली में 1 जन का डेथ हुआ, 1 जन बॉर्न हुआ। तीसरे फैमिली में 10 लोगों का बॉर्न हुए और 2 लोग का डेथ हो गया। तो जितना बड़ा फैमिली, जितना मतलब छोटा फैमिली, वो अलग अलग फैमिली के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहाँ पे मेंबरशिप कुछ भी यहाँ पे लिमिट नहीं है उसके ऊपर। फैमिली में जितने भी बर्थ हो रहे, जितने भी डेथ हो रहे, उसके ऊपर जो फैमिली की मेंबरशिप होती है वो डिपेंड होती है। और हर एक फैमिली का जो मेंबरशिप है वो अलग अलग हो सकता है यहाँ पे। सो देर इज नो लिमिट ऑन द मेंबरशिप। कोऑपरेटिव सोसाइटी में आपको मिनिमम 10 लोग और मैक्सिमम, वहां पे कोई भी लिमिट होता नहीं है मेंबरशिप पे। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी दो टाइप के होते हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 200 मेंबर्स की जरूरत होती है।
पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम मेंबरशिप पे कोई भी लिमिट होती नहीं है वहां पे। तो ये मेंबरशिप हो गया। रजिस्ट्रेशन, सोल ट्रेडिंग बिजनेस को रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं होता है, मतलब ये बिजनेस का रजिस्ट्रेशन ही नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म जो है उसको आपको रजिस्टर करना पड़ता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1936 के अंदर, पर इंडिया के अंदर ये बिजनेस रजिस्टर करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में ये बिजनेस को आपको कंपलसरी रजिस्टर करना है। मतलब महाराष्ट्र में अगर आप पार्टनरशिप फर्म शुरू करें तो आपको ये रजिस्टर करना पड़ेगा अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1936। ये बिजनेस को भी रजिस्टर करना रिक्वायर्ड नहीं होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्टर करना कंपलसरी है अंडर इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912। या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, हर एक स्टेट का अपना अपना एक्ट होता है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का अलग एक्ट है, आंध्र प्रदेश का अलग हो सकता है, दूसरे स्टेट्स का अलग हो सकता है, तो वो स्टेट के एक्ट के अंडर भी उसको आप रजिस्टर कर सकते हो। सो कंपलसरी रजिस्टर आपको यहाँ पे करना है बिजनेस को। जॉइंट स्टॉक कंपनी को भी आपको कंपलसरी रजिस्टर करना है अंडर इंडियन कंपनी एक्ट 2013। लायबिलिटी, ओके नाउ यहाँ पे सोल ट्रेडर जो होता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। नाउ अनलिमिटेड लायबिलिटी के बारे में हमने डिस्कस किया है कि जहां पे अगर सपोज बिजनेस को लॉसेस में से जा रहा है या बिजनेस के ऊपर कोई कर्जा हुआ तो वो सोल ट्रेडर को क्या करना पड़ेगा, अपना पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचना पड़ेगा अगर बिजनेस प्रॉपर्टी कम पड़ रहा है तो, और बिजनेस का जो भी कर्जा है या जो भी लायबिलिटी वो रीपे करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसको अनलिमिटेड लायबिलिटी बोल रहे हैं, बिकॉज पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ सकती है बिजनेस की लायबिलिटी को रीपे करने के लिए। सो सोल ट्रेडर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, पार्टनर्स की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड होती है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली में देखो कैसा है, कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कर्ता को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ सकती है बिजनेस के जो भी लायबिलिटी उसको रीपे करने के लिए, लेकिन को पर्सनल्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। तो कर्ता का अनलिमिटेड, को पर्सनल्स का लिमिटेड लायबिलिटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब क्या, उनका जो अनपेड वैल्यू है उतना ही उनको पे करना है। जैसे कि मैंने 10 रुपए का शेयर परचेस किया, तो 10 रुपए का शेयर परचेस किया उसमें से 7 रुपया मैंने पे किया, अभी सिर्फ 3 रुपए भरा है, ये मेरा अनपेड अमाउंट है। तो अनपेड अमाउंट उतना ही मेरी लायबिलिटी है, उसके ऊपर मैं कुछ भी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी में से बेचूंगा नहीं बिजनेस के लायबिलिटी के लिए। तो इसको हम लोग लिमिटेड लायबिलिटी बोलते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का भी सेम है, यहाँ पे भी शेयर होल्डर की लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है अप टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। शेयर का आपने जितना पैसा नहीं भरा है उतना भरो और साइड में हटो, आपको पर्सनल प्रॉपर्टी में से कुछ भी बेचना पड़ेगा नहीं बिजनेस के लायबिलिटी के लिए। कैपिटल, नाउ कैपिटल में देखो यहाँ पे आप लोगों को कैसे लिखना है कि सोल ट्रेडिंग का जो कैपिटल होता है वो थोड़ा लिमिटेड होता है, लिमिटेड मतलब थोड़ा कम होता है। और सोल ट्रेडर अपना कैपिटल कहाँ से लाता है, तो उसका जो पर्सनल सेविंग होता है या उसके जो फ्रेंड या रिलेटिव्स होते हैं उनके पास से बोरो करना या बैंक के पास से लोन लेना, तो इनका अकेला है, इसकी वजह से कैपिटल बहुत ही लिमिटेड होता है। पार्टनरशिप फर्म का कैपिटल जो होता है वो सोल ट्रेडर से ज्यादा होता है, बट बाकी सारे जो बिजनेसेस है उससे कम होता है। ओके तो उस हिसाब से थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्या करना है, दिमाग लगा के लिखना है कि आपको किसका डिस्टिंग्विश पूछा, उसके हिसाब से आप लिखोगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला आप लोगों को कि सोल ट्रेडर के कंसर्न में पार्टनरशिप का कैपिटल ज्यादा है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा मेंबर है, पर दूसरे बिजनेसेस के कंपेयर में इनका कैपिटल जो है वो कम है। और ये भी कैपिटल कहाँ से लाते हैं, पर्सनल सेविंग, फ्रेंड के पास से, रिलेटिव के पास से बोरो करना या बैंक के पास से लोन लेना। नाउ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है इनका कैपिटल जो है वो सोल ट्रेडर से ज्यादा है लेकिन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी से कम है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अलग अलग लोगों के साथ कंपेयर कर रहा हूं, एक के कंपेयर में इनका कैपिटल ज्यादा है, दूसरे के कंपेयर में इनका कैपिटल कम है। ओके कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है इनका कैपिटल जो होता है वो अगेन सोल ट्रेडर से या दूसरे जो भी बिजनेसेस है उसके कंपेयर में ज्यादा होता है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के कंपेयर में कम होता है। और जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल होता है वो सबसे ज्यादा होता है बिकॉज जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है, और शेयर की प्राइस बहुत ही कम होती है, इसके लिए काफी सारे लोग शेयर परचेस कर लेते हैं। उसके साथ साथ जॉइंट स्टॉक कंपनी डिबेंचर इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है, पब्लिक से डिपॉजिट लेती है या बैंक से लोन वगैरह लेने का लेते हैं, इसके वजह से इनका कैपिटल जो होता है बहुत ज्यादा होता है। ओके नेक्स्ट सीक्रेसी, मतलब बिजनेस में सीक्रेसी होती है कि नहीं, बिजनेस के मैटर्स को सीक्रेट रखा जा सकता है कि नहीं। तो सोल ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें मैक्सिमम सीक्रेसी होता है। ऑब्वियसली सोल ट्रेडर अकेला है और वो अपने बिजनेस के बारे में किसी को नहीं बताएगा मेरे बिजनेस के क्या सीक्रेट्स है, या अपना बुक्स ऑफ अकाउंट वो किसी को नहीं दिखाएगा, क्योंकि आपके सीक्रेट अगर किसी को पता चलते तो वो उसका अंडू एडवांटेज ले सकते हैं।
पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर भी सीक्रेसी हो सकती है, पर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि पार्टनर्स के बीच में अगर झगड़ा हो गया तो एक पार्टनर क्या कर सकता है, अपने बिजनेस के जो सीक्रेट्स है वो किसी और को बता सकता है, वो फर्म छोड़ के चला जाएगा, दूसरे किसी के साथ पार्टनरशिप करेगा और उसको वो बिजनेस के सीक्रेट बता देगा, तो उसके वजह से आपका बिजनेस डेंजर में आ सकता है। तो यहाँ पे वैसे तो सीक्रेसी होती है, बट समटाइम्स देयर माइट नॉट बी सीक्रेसी। ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस में भी सीक्रेसी होती है बिकॉज ये फैमिली का बिजनेस है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर सीक्रेसी थोड़ी कम होती है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि इनको अपना बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो पब्लिश करना पड़ता है, मतलब इनको अपना बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस पब्लिक को दिखाना पड़ता है, बिकॉज जब तक ये लोग अपना ये बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दिखाएंगे तब तक इनको कैपिटल नहीं मिलेगा। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में कम सीक्रेसी होती है। मैनेजमेंट मतलब बिजनेस को मैनेज कौन करता है, बिजनेस को हैंडल कौन करता है, बिजनेस का जो रोज का काम होता है, फाइनेंस के रिलेटेड, सेल्स के रिलेटेड, परचेस का, अकाउंटिंग का काम, सबको काम बांट के देना, सबसे काम करवा के लेना, ये सब कौन करता है। तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में सोल ट्रेडर ही बिजनेस का मैनेजर है, पार्टनरशिप फर्म में सारे पार्टनर जो है वही बिजनेस के मैनेजर्स है। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बिजनेस का जो भी मैनेजमेंट होता है वो करता लुक आफ्टर करते हैं या करता जो होते हैं वो हैंडल करते हैं, और को पार्टनर जो उनको हेल्प कर सकते हैं, असिस्ट मतलब क्या, हेल्प करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके बीच में से कुछ लोगों की मैनेजिंग कमेटी बनाई जाती है, और मैनेजिंग कमेटी वाले जो होते हैं वो बिजनेस का जो भी डे टू डे एक्टिविटी होता है उसको हैंडल करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी होती है बिजनेस का मैनेजमेंट देखने के लिए, और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जिनको शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं, बिकॉज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं वो अलग अलग एरिया में होते हैं और उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इसके लिए वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं जो कंपनी का मैनेजमेंट देखते हैं। स्टेबिलिटी, नाउ स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, बिजनेस कंटिन्यू चलना या लॉन्ग लाइफ। सोल ट्रेडिंग का स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है, ये बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, अगर सोल ट्रेडर का डेथ हुआ या वो इंसॉल्वेंट हो गया, ओके, या फिर उसका ये इंसैनिटी हो गया तो ये बिजनेस क्या हो गया, बंद हो गया, तो ये बिजनेस की लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है। पार्टनरशिप में भी लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है, अगर पार्टनर को एक कुछ भी हो गया तो शायद दूसरा पार्टनर जो है वो बिजनेस चलाने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा, इसके वजह से यहाँ पे एक पार्टनर की अगर डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है या इंसैनिटी होती है तो उससे ये बिजनेस बंद हो सकता है। उसके बाद में ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ये थोड़ा स्टेबल बिजनेस होता है बिकॉज ये बिजनेस जो होता है वो एंसेस्ट्रल बिजनेस होता है, यहाँ पे काफी ज्यादा पीढ़ियां वगैरह होती है, तो इसके वजह से क्या होता है कि कर्ता को अगर कुछ भी हो गया तो दूसरा जो मेंबर है वो क्या कर सकता है, बिजनेस को टेक ओवर कर सकता है और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकता है, तो ये बिजनेस में स्टेबिलिटी थोड़ा ज्यादा होती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज यहाँ पे भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स है, और इवन ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है बिकॉज बहुत सारे शेयर होल्डर है, तो बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं तो क्या होता है कि एक शेयर होल्डर को अगर कुछ भी हो गया, डेथ, इंसैनिटी या इंसॉल्वेंसी, तो उसकी वजह से बिजनेस के कंटिन्यूटी के ऊपर या स्टेबिलिटी के ऊपर कोई भी परिणाम होता नहीं है, तो ये दो बिजनेस का स्टेबिलिटी थोड़ा कम होता है, बाकी ये सब बिजनेस जो है वो स्टेबल होते हैं, हो सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, सोल ट्रेडिंग के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल थोड़ा कम होता है, मतलब गवर्नमेंट जो बिजनेस के कामकाज में इंटरफेयर करता है वो कम करता है, पार्टनरशिप में भी कम होता है, ज्वाइंट हिंदू फैमिली में थोड़ा लिमिटेड होता है, पर कोऑपरेटिव सोसाइटी और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिक से कैपिटल लेके बिजनेस कर रहे हैं या मेंबर से कैपिटल लेके ये लोग बिजनेस को चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट का कंट्रोल जो ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा, मतलब गवर्नमेंट के सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन या एक्ट के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे वो उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं, इफ दे डोंट फॉलो देन दे विल हैव टू पे द पेनल्टी फॉर इट एक्ट। ओके, नाउ सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो है उसका कोई भी एक्ट नहीं है। ओके, पार्टनरशिप बिजनेस जो है उसका एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके सारे प्रोविजंस को उनको फॉलो करना पड़ता है। देन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इनका एक्ट है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट है इंडियन कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, या फिर हर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपने अपने स्टेट का एक एक्ट होता है वो फॉलो करना पड़ता है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का एक्ट है इंडियन कंपनी एक्ट 2013। फॉर्मेशन, नाउ सोल ट्रेडिंग कंसर्न जो होता है उसका फॉर्मेशन जो होता है वो एकदम ईजी होता है, एकदम ईजिली आप ये बिजनेस को सेटअप कर सकते हो।
ओके, यहाँ पे ज्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, और भी जो गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है, तो ये बिजनेस को एकदम कंपैरेटिवली आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़े फॉर्मेलिटीज होते हैं, जैसे एग्रीमेंट वगैरह बनाना पड़ता है यहाँ पे, तो पार्टनरशिप में थोड़े लीगल फॉर्मेलिटीज होती है, बट उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये भी बिजनेस शुरू करना। इवन ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो होता है वो सिंपल होता है, इजीली आप स्टार्ट कर सकते हो। ये जो बिजनेस होता है हिंदू लॉ के हिसाब से शुरू हो सकता है, मतलब यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं बनाना है। ओके, ये बिजनेस को आप इजीली स्टार्ट कर सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है इसका फॉर्मेशन थोड़ा चीप होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता है, बट टाइम कंज्यूमिंग होता है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे लेने पड़ते हैं, और उसके बाद में आप बिजनेस शुरू कर सकते हो। तो ऑब्वियसली इसका जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, और लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह यहाँ पे करनी पड़ती है। और ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है इसका फॉर्मेशन सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हम लोग ने डिसएडवांटेज में देखा था कि इनको मेमोरेंडम, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं, और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट करना पड़ता है, देन उनको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट रिसीव करना होता है, एंड देन दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। तो यहाँ पे अगर हम लोग सोल ट्रेडिंग, पार्टनरशिप और ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस देखेंगे तो इनका फॉर्मेशन एकदम ईजी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन में थोड़ा टाइम लगता है, और जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट है। सो ये पूरा डिस्टिंग्विश था हमारे 5 जो हमने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस देखे थे उसके बारे में। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।